गिली 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 गिली। अरे वाह शिंजो, तुम तो कमाल का चल रहे हो, क्या बात है। ये तो मेरे बाहर आज का खेल है। गिली 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 गिली। बहुत बढ़िया, तुम बिल्कुल सर्कस वालों की तरह करते हो। शिंजो सच में बहुत अच्छा कर रहा है। हमारा और युमी को? हाँ बिल्कुल, आखिर वो एक निंजा जो है, लेकिन तुम भी तो अच्छा कर रहे हो हमारा। मैं नहीं नहीं, मैं ये बच्चों वाली चीजें नहीं करता। मैं तो चॉकलेट खाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। क्या बात है, स्केटबोर्ड के ऊपर लकड़ी से बंध कर चलना, ये तो कभी मैं अपने सपने में भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, चाहे लकड़ी से बंध कर चलना हो या स्केटबोर्ड पर चलना हो, बस बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। अरे वाह भाई वाह, तुम तो बैलेंस के बारे में बहुत कुछ जानते हो। क्यों, सही कहा ना युमिको, आइडिया, चलो इसी से सीखते हैं बैलेंस कैसा होना चाहिए। मैं कैसे, मतलब इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऐसे पहली बार चल रहे हैं या दूसरी बार। एक बात कहूँ क्या कैनिची, एक बार करके दिखाओ ना प्लीज, मैं तुम्हें देखकर सीखूंगी। हाँ मत कैनिची, बहुत आसान है, ये लो। हाँ, इस बात का ध्यान रखो कि बैलेंस ना बिगड़े बस। युमिको तुम कैनिची को ध्यान से देखती रहना। हाँ बाबा रे, ये मैं कहाँ फंस गया, भाग भी नहीं सकता, अगर भाग गया तो युमिको के सामने मेरी इज्जत का भजिया पाव बन जाएगा, क्या करूँ। बहुत बढ़िया, वाह वो तो सचमुच कमाल कर रहा है। अच्छा बैलेंस कर रहे हो कैनिची, लगे हो। ये कैसे हो रहा है, मैं तो बस अपने शरीर को आगे बढ़ा रहा हूँ तो पैर अपने आप बढ़ रहे हैं। अब मैं गिरने वाला हूँ। क्या बात है, तुम तो कमाल का जिमनास्टिक जानते हो। मैंने सोचा नहीं था इस फिसड्डी की गड्डी बिना पंचर हुए चल पड़ेगी। क्या अमारा ने मुझे चैलेंज किया है। मजा आएगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मुझे इसे मंजूर नहीं करना चाहिए, है ना हथौड़ी। मुझे लगता है तुम्हें इसे मंजूर कर लेना चाहिए कैनिची। क्या, लेकिन क्यों? चैलेंज ही वो चीज है जिसमें तुम सामने वाले को गलती करने का मौका देते हो, मतलब चैलेंज मान लेने पर सामने वाला तुम्हारे साथ जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाएगा और उसी में उससे कोई बड़ी गलती हो जाएगी। ओह तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ हथौड़ी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मजा आएगा। ये नीचे तैयारी में आया है बॉस। अरे कैनिची तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ आने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें स्पीड और टेक्निक्स में मुझे हराना है। सिग्नल मिलते ही हमें यहाँ से शुरू करना है और पूरे टाउन का एक चक्कर लगाकर यहीं पर वापस आना है। जो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा वही विनर होगा। लेकिन टाउन में तो काफी भीड़ होगी, बहुत गाड़ियाँ होंगी। अरे बुद्धू, इस टेक्निक की यही तो खासियत है कि इस पर गाड़ियों का और भीड़ का कोई असर नहीं पड़ता, क्या समझे। मैं निकल रहा हूँ, तुम भी आ जाना। अरे मेरे लिए रुको, मैंने इसे पहले कभी नहीं चलाया है हमारा। घबराओ नहीं कैनिची, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शिंजो शिशिमानो चलो जल्दी चलो। ओ, चलो। मैं बस टाउन में घुसने ही वाला हूँ, अब मेरा क्या होगा। आगे रेड सिग्नल है, इसे कैसे रोकूं। चलो बच गया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पीछे ही चल रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डिंग डिंग। अरे वाह, अगर हथौड़ी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। ओ, वो डबल बैटरी मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा, है ना। डिंग 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 डिंग। अब मुझे उसे स्केटिंग खुद ही करने देना चाहिए। अब बस हम सीखने वाले हैं कियो। अरे ये क्या, ये तो हमारे पीछे ही आ रहा है, अब जल्दी करना होगा कियो। अरे कैनिची और हमारा आ रहे हैं, लगता है कि दोनों रेस लगा रहे हैं। जल्दी आओ, कम ऑन, जल्दी आओ, जल्दी। कैसी हो युमिको?
अरे हतौरी, तुम यहाँ कब से बैठे हो? यूमी को बताओ ना। क्या तुमने देखा हम दोनों में से यहाँ पहले कौन आया? हम दोनों में से रेस किसने जीती? मैंने तो वो नहीं देखा। ओ सॉरी, अब क्या करेंगे हम? क्या ये नहीं क्या कह रही हो यूमी को? अब फैसला कैसे होगा? हमारा एक बात कहूँ, सच तो ये है कि ये रेस तुमने जीती है। ओए क्या कहा, पर वो कैसे? क्योंकि मुझे दौड़ाने के पीछे हथौड़ी का हाथ था, वही मुझे आगे की ओर ढकेल रहा था, इसीलिए मैं तेज भाग पा रहा था। तुम अगर मेरी बात कर रहे हो तो मैं यहाँ हूँ और मैं काफी देर से यहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ वो सही कह रहा है, जब तुम दोनों यहाँ पहुँचे थे तब वो पहले से ही यहाँ पर था। इसका मतलब कि मैंने? हाँ तुम लोग सही समझ रहे हो, शुरू में मैंने जरूर केनिची की मदद की थी, लेकिन बाद में मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। तुमने कमाल कर दिया केनिची। ये कैसे हो सकता है, मैं तो इस पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, तो दौड़ूंगा कैसे? इसीलिए तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिंग डिंग।